Hello everyone, I welcome you to the platform of Learning Himachal. My name is Rachna Chauhan और आज से हम शुरू करने वाले हैं एक न्यू सीरीज जो कि रिलेटेड है हमारी हिमाचल प्रदेश जीके से. ठीक है, हिमाचल प्रदेश जीके जो है वो हमारे हिमाचल के सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. और अगर आप HAS की प्रेपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तब तो आपको हिमाचल प्रदेश को जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा, जो हिमाचल प्रदेश की जीके है. ठीक है, क्योंकि अराउंड 20 जो क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन आपका दो नंबर का रहता है HAS में. ठीक है, तो अराउंड जो 40 मार्क्स है वो आपको हिमाचल जीके से मिलने वाले हैं. ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों को बहुत सारा कन्फ्यूजन है क्योंकि इतनी सारी मार्केट में बुक्स अवेलेबल है ना, कोचिंग के नोट्स अवेलेबल है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ जो मेरा प्रीवियस ईयर का जो एनालिसिस है. ठीक है, अगर आप भी देखोगे, आप भी नोटिस करोगे कि जो हमारी द वंडरलैंड, ठीक है, द वंडरलैंड जो बुक है, ठीक है, जो कि लिखी गई है जगमोहन बुलोकरा के द्वारा, ठीक है, तो ये जो बुक है, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बुक है. अगर आप हिमाचल प्रदेश जीके की बात करते हो, ये एक ऐसी बुक है जो आपको पढ़नी ही पड़ेगी. ठीक है, बहुत सारे टॉपर्स ने भी आपको सजेस्ट किया है कि जो ये बुक है वो आपको पढ़नी चाहिए. कुछ लोग बोलते हैं कि इसको नहीं पढ़ना चाहिए, बट मेरा ये मानना है कि अगर आपके पास सफिशियंट अमाउंट ऑफ टाइम है, ठीक है, और अगर आपने ये बुक एक बार पढ़ ली, तो आपका जो हिमाचल जीके है वो आपको, मतलब कि कहीं और से पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको. ठीक है, तो ये सीरीज़ ही है. ठीक है, जगमोहन बुलोकरा की सीरीज़ है. और साथ ही साथ देखो, बुलोकरा के साथ हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, हिस्ट्री, कल्चर एंड इकोनमी बाय मियां गोवर्धन सिंह. ठीक है, जो मियां गोवर्धन सिंह जी की जो बुक है, ठीक है, ये भी आजकल ट्रेंड में है. ठीक है, क्योंकि इस बुक से भी क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम में देखने को मिल रहे हैं, अगर हम HAS की बात करें. ठीक है, बट जो हमारी सीरीज़ रहेगी उसका जो बेस रहेगा वो रहेगा जगमोहन बुलोकरा जी की बुक का. ठीक है, और उसके साथ मैं आपको जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें मियां गोवर्धन सिंह जी की बुक में अवेलेबल है वो मैं आपको ऐड ऑन करूँगी. ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप इस सीरीज़ को प्रॉपरली फॉलो करते हो, ठीक है, प्रॉपरली नोट्स बनाओगे, आपको बुलोकरा को पढ़ने की भी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. मैं आपको इतना एश्योर करती हूँ कि आपको बुलोकरा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. आप जस्ट इस सीरीज़ को प्रॉपरली फॉलो करना, ठीक है, और अच्छे से नोट्स बनाना, क्योंकि जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वो आपको इन दोनों बुक्स का एक तरह से निचोड़ रहेगा. ठीक है, मियां गोवर्धन जी की बुक का और बुलोकरा दोनों का वो निचोड़ रहेगा. ठीक है, सो उम्मीद करती हूँ कि आप इस सीरीज़ में अच्छे से पार्टिसिपेट करोगे. ठीक है, और जो हिमाचल जीके है उसको हम इजी बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सब ने बहुत ज़्यादा हवा बना रखा होता है कि बुलोकरा जो है बहुत लेंथी बुक है ना, कि नहीं पढ़ी जाती है, समझ नहीं आती है. ठीक है, मेरे अकॉर्डिंगली कि जो जगमोहन बुलोकरा एक बहुत अच्छी बुक है. ठीक है, हमें अपने हिमाचल के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो है वो इसमें समझने को मिलती है. ठीक है, तो आज से हम शुरू करेंगे इस सीरीज़ को. सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें हिस्ट्री. ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ हिमाचल से हम शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे करके सारे जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं, ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश हो गया, कल्चर हो गया, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री हो गई, ठीक है, प्लेसेस और पर्सन एंड जितने भी टॉपिक्स हैं हमारे जो इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के परस्पेक्टिव से. देखो, हमारी जो अप्रोच है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहने वाली है. ठीक है, हम ज़्यादा भटकेंगे नहीं. ठीक है, मेरा जो मोटिव है वो यही है कि अगर आप हिमाचल के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, जो लेवल रहने वाला है वो HAS तक का रहने वाला है. ठीक है, अगर आप HAS की तैयारी कर रहे हो, HPNT की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो आप इस सीरीज़ को अच्छे से अगर फॉलो करोगे, मैं आपको अश्योर करती हूँ कि हिमाचल जीके के जो भी क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में वो आप बहुत ईजीली सॉल्व कर लोगे. ठीक है, सो शुरू करते हैं हिस्ट्री ऑफ हिमाचल से. ठीक है, धीरे धीरे करके आराम से बहुत अच्छे से हम जो हिमाचल जीके है उसको समझेंगे और पढ़ेंगे. ठीक है, सो हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ हिमाचल की. ठीक है, अब हिस्ट्री ऑफ हिमाचल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्री हिस्ट्री. ठीक है, प्री हिस्ट्री का क्या मतलब होता है? देखिए, सबसे पहले
प्री हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश को हम पढ़ेंगे। तो प्री हिस्ट्री का क्या मतलब होता है, जिसका हमारे पास कोई रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, ठीक है, रिटर्न कोई रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम प्री हिस्ट्री। ठीक है, अब हिमाचल प्रदेश में की जो प्री हिस्ट्री है वो हमें समझ आती है तीन वैलीज, ठीक है, तीन वैलीज को हमें अपने एग्जाम के लिए लर्न करना है। कौन कौन सा? फर्स्ट है आपका बाण गंगा, ब्यास वैली ऑफ कांगड़ा, ठीक है, बाण गंगा ब्यास वैली आपकी कहाँ पे? कांगड़ा। और दूसरा है आपका सिरसा, कौन सी? सिरसा सतलुज वैली, सिरसा सतलुज वैली आपकी नालागढ़ और बिलासपुर। और तीसरी है आपकी मारकंडा, मारकंडा वैली, मारकंडा वैली आपकी कहाँ की है? सिरमौर, ठीक है, जो आपका सुकेती एरिया है, जो आपका कौन सा एरिया है? सुकेती एरिया, ठीक है। अब देखिए, जो ये तीन चीज़ें हैं, जो ये तीन वैलीज है, यहाँ से हमें हिमाचल की प्री हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, ठीक है। जो आपकी बाण गंगा ब्यास वैली है कांगड़ा की, ठीक है, यहाँ पे आपके चार प्लेसेस है, ठीक है, देहरा, ठीक है, हरिपुर, ढलियारा, कांगड़ा, यहाँ से कुछ हमें ऐसे स्टोन टूल्स मिले हैं जिससे कि हमें चलता है कि ये जो वो जो स्टोन टूल्स है वो 2 मिलियन ईयर अगो के हैं, जो वो स्टोन टूल्स है वो आपके 2 मिलियन ईयर अगो के हैं, ठीक है। तो वहाँ से हमें क्या समझ आ रहा है कि जो ये जो हिमाचल है यहाँ पर काफ़ी टाइम से लोग रह रहे हैं, ठीक है। वैसे ही सिरसा सतलुज वैली हो गया, ठीक है, नालागढ़ और बिलासपुर वाला जो एरिया है हमारा, ठीक है, सुकेती एरिया हो गया, जो आपका मारकंडा जो वैली है, ठीक है, सिरमौर की, यहाँ पर हम यहाँ से हमें ऐसे टूल्स मिले हैं, ठीक है, जो 2 मिलियन ईयर अगो के है, ठीक है। और ये जो टूल्स है ये आपके स्टोन टूल्स है। अब जो ये टूल्स है ये आपके कौन से टूल्स है? ये स्टोन्स के टूल्स है, ठीक है, और ये बने हैं क्वार्ट्ज़ाइट से, ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। जो भी ये टूल है ये आपके है क्वार्ट्ज़ाइट के, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो प्री हिस्ट्री में बेसिकली आपको यही तीन जो वैलीज है इसको ध्यान में रखना है। अब ये भी जो जैसे कि जो बाण गंगा ब्यास वैली है, ब्रिजवासी लाल ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है, वैसे ही उतना डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, बट हमें अपने प्रीलियम्स के लिए, ठीक है, प्रीलियम्स के लिए हमें इन तीनों वैलीज का लर्न होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बाण गंगा ब्यास वैली कांगड़ा की, ठीक है, आपकी सिरसा सतलुज वैली नालागढ़ और बिलासपुर वाला एरिया, आपका मारकंडा वैली सिरमौर की जो सुकेती एरिया है, ठीक है। यहाँ पे जो हमें स्टोन टूल्स मिले हैं, ठीक है, कुछ पेबल्स, कुछ चॉपर्स, ठीक है, कुछ ऐसे स्टोन टूल बने हुए हैं, ठीक है, जिससे कि लोग लकड़ियाँ काटते हो गए या फिर कुछ और चीज़ों का यूज़ करते होंगे उनका, तो ये सारे के सारे स्टोन टूल्स हैं और ये बने हैं क्वार्ट्ज़ाइट के, ठीक है, और ये आपके जो है 2 मिलियन ईयर अगो के हैं, ठीक है। तो ये हमारी प्री हिस्ट्री है कि हमारे पास कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है, जो हमें कुछ चीज़ें मिली है यहाँ वहाँ से, वहीं से हमें ये समझ आया है कि जो हिमाचल है वहाँ पे काफ़ी टाइम से जो है लोग रहा करते थे, ठीक है। तो प्री हिस्ट्री आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी, आपको यही चीज़ें लर्न करनी है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। मेंस में कभी कुछ हिमाचल की प्री हिस्ट्री या कुछ ऐसा चीज़ें आती है, लिखने के लिए आती है, तो भी आप क्या करोगे, आप इन तीनों का जो डेटा है वो अपने मेंस के आंसर में डाल दोगे, ज़्यादा एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कभी आता है कि हिमाचल की हिस्ट्री के बारे में आप बताइए, तो एक लाइन में आप इसको लिख सकते हो, प्री हिस्ट्री को मेंशन कर सकते हो, ठीक है। हमारी अप्रोच ऐसी रहेगी प्रीलिम्स और मेंस, क्योंकि देखो मेंस में भी जो हिमाचल है वो कोई ज़्यादा एनालिटिकल क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपको फैक्ट्स लर्न होने चाहिए। तो फैक्ट्स लर्न कब होंगे? जब आप इस तरह की चीज़ों को याद करोगे, ठीक है। अब यही चीज़ें आपके प्रीलिम्स में पूछी जाती है, ठीक है, यही चीज़ें आपको जगमोहन प्रोग्राम में भी देखने को मिलेगी, मियाँ गोवर्धन सिंह जी की बुक में भी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आई होप कि जो प्री हिस्ट्री है वो आपको समझ आई होगी। अब हम देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन जब हुई थी तो हिमाचल में मतलब उस टाइम पे क्या था, ठीक है। इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है, ठीक है, ये आपकी फ्लरिश होती है
3000 BC से लेकर 1715 BC के बीच में, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लरिश होती है आपकी 3000 BC से लेकर 1750 BC तक, ठीक है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने बहुत बड़ा एरिया जो है इनॉर्मस एरिया को ऑक्यूपाई करके रखा था, ठीक है। अरेबियन सी से लेकर गैंगटिक वैली जो है ईस्ट में, वो सारा का सारा जो एरिया था वो कहाँ था, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के कवर में, ठीक है। अब देखिए जो हमारा गैंगटिक प्लेन है, इंडो गैंगटिक प्लेन है, वहाँ पर जो लोग रहते थे उस टाइम पे वो कौन थे आपके, उनको आप बोलोगे प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड, ठीक है। इनको या तो आप प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड बोलोगे या फिर क्या बोलोगे, मुंडा स्पीकिंग पीपल, या फिर ये है आपके कोलैरियन, ठीक है, या क्या है आपके ये कोलैरियन पीपल, ठीक है। तो जो ये लोग हैं ये आपके कहाँ पे रह रहे थे, इंडो गैंगटिक प्लेन में रह रहे थे। अब देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन है, फ्लरिश हो रही है, ठीक है। यहाँ के जो लोग हैं वो अपने आप को स्प्रेड कर रहे हैं, ठीक है। इंडो गैंगटिक प्लेन में कौन रह रहा है आपका, जो आपके मुंडा स्पीकिंग पीपल है, कोलैरियन पीपल जिनको आप बोलोगे, या फिर प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड जो पीपल है वो आपके इंडो गैंगटिक प्लेन में रह रही है। लेकिन जैसे जैसे करके इंडस वैली सिविलाइजेशन बढ़ रही है, अपने आप को स्प्रेड कर रही है, वो क्या करते हैं, वो इन लोगों को, ये जो कोलैरियन पीपल है, इन लोगों को इंडो गैंगटिक प्लेन से खदेड़ देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ये लोग क्या करते हैं, हिल्स की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। धीरे धीरे करके शिवालिक की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, थीके? जितने भी जो हिमालयस है उसकी तरफ ही जाना शुरू कर देते हैं, पीसफुल रहने के लिए, ठीक है, अपनी लाइफ को बचाने के लिए ये हिल्स की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से जो ओरिजिनल, हम क्या बोलेंगे, जो ओरिजिनल एंड अर्लीस्ट, जो अर्लीस्ट और ओरिजिनल जो माइग्रेंट्स है हिमाचल में, ठीक है, वो आपके कौन है, वो आपके है कोलैरियन पीपल, ठीक है। इसीलिए सबसे पहले लोग जो हिमाचल में आके बसे हैं, या फिर बोला जाता है कि कौन सी ऐसे लोग हैं जो सबसे पहले इनहेबिटेट है हिमाचल के, वो हमारे हैं कोलैरियन पीपल, ठीक है, जो कि जिनको हम तीन तरह से बोल सकते हैं, कोलैरियन पीपल, या फिर प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड, या फिर मुंडा स्पीकिंग पीपल। तो ये फर्स्ट ऐसे लोग हैं, फर्स्ट ऐसे ओरिजिनल और अर्लीस्ट ये माइग्रेंट्स हैं जो कि हिमाचल में आके बसे थे, ठीक है। अब इन लोगों को देखो, जो हमारे जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं, इनको वेदास में क्या बोला गया है, इनको वेदास में बोला गया है, इसको याद करने का जो तरीका है वो आप रख सकते हो DDN करके याद, ठीक है। DDN का क्या मतलब है, दासाज, दस्यूज और निषाद, ठीक है। तो वेदास में इनको बोला गया दासास, दस्यूज एंड निषाद, ठीक है। और पोस्ट वैदिक में क्या बोला गया इनको, ठीक है, अगर हम पोस्ट वैदिक पीरियड की बात करते हैं तो पोस्ट वैदिक पीरियड में इन्हीं कोलैरियन पीपल को क्या बोला गया है, किनोरा, यक्षा एंड नागास, ठीक है। तो KYN करके याद रख सकते हो, क्या, किनोरास, ठीक है, यक्षास एंड नागास, ठीक है। तो आपको वेदास में और पोस्ट वैदिक में दोनों चीज़ें याद रखनी हैं। वेदास में DDN करके याद रख सकते हो, दासास, दस्यूस एंड निषाद, ठीक है। पोस्ट वैदिक में आपको किन्नर्स, यक्षा एंड नागास, ये कौन लोग हैं आपके, ये यही कोलैरियन पीपल ही है, इन्हीं के ही ये नाम है, ठीक है। जो कि देखो वेदास वाला जो है, ये जो DDN है जो मैंने आपको बताया, ये एक बार HS में पूछा भी गया ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये वेदास में बोला गया है, पोस्ट वैदिक में ये बोला गया है। अब जो कोली है, देखो कोली, हाली, डूम, चनाल, चमांग, डमांग करके भी जो आजकल जो यूज़ होता है, ठीक है, ये वही लोग हैं जो कि आपने सुना होगा लाहौर स्पीति और किन्नौर एरिया में बोला जाता है। तो कोली, हाली, ठीक है, डूम्स हो गए, ठीक है, चमांग्स हो गए, चनाल्स हो गए, ठीक है, जो ये जातियाँ हैं ये यही लोग हैं, ठीक है, यही यही कोलैरियन पीपल है, ठीक है, जिनको कहाँ पे ये नाम दिए जाते हैं,
आपके लाहौल स्पीति में हो गया, ठीक है, आपके किन्नौर में हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है रिलेटेड टू कोलेरियन पीपल, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट इनहेबिटेट है हिमाचल के, ठीक है। तो ये आप अपने प्रीलियम्स के लिए अच्छे से ध्यान रखोगे कोलेरियन पीपल से रिलेटेड, कि उनको वेदास में क्या बोला गया, उनको पोस्ट वैदिक पीरियड में क्या बोला गया, आजकल जो है ऐसी कौन सी ट्राइब है जो कि रिलेट करती है कोलेरियन पीपल से, ठीक है। अब हम कुछ और चीज़ें देखते हैं। देखिए, जो ये कोलेरियन पीपल है, इनको ऋग्वेदा में क्या बोला गया है, ऋग्वेदा पीरियड में ये क्या थे, मास्टर ऑफ हिल्स, ठीक है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि ऋग्वेदा पीरियड्स में किनको मास्टर ऑफ हिल्स बोला गया है। आपको ऑप्शंस में मतलब कोई एक स्टेटमेंट आ गई, ठीक है, उसमें आपके पास, देखिए अभी तो हमने कोलेरियन पीपल पढ़ा, ठीक है, आर्यंस भी उसमें मेंशन हो सकता है, उसमें कीर्तास भी मेंशन हो सकता है। तो ऋग वैदिक जो पीरियड है उसमें कोलेरियन पीपल को क्या बोला गया है, मास्टर ऑफ हिल्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लेना। सेकेंड, ऋग्वेदा में ही, ठीक है, ये मेंशन है कि जो कोलेरियन पीपल है, ठीक है, जो इनका किंग था वो कौन था, शांबर, ठीक है। कोलेरियन पीपल का कौन था किंग, शांबर, जिसके 99 फोर्स थे, ठीक है, यमुना से लेकर ब्यास। देखो, ब्यास से लेकर जो यमुना का जो एरिया है वो पूरा का पूरा जो एरिया किसके अंदर था, शांबर। शांबर किसका किंग था, आपका कोलेरियन पीपल का किंग था, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स है कोलेरियन पीपल से रिलेटेड, जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। स्टेटमेंट वाइज इसमें से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, तो सारे के सारी चीज़ें याद रखनी है। ऋग्वेदा से रिलेटेड जो दो पॉइंट मैंने आपको बाद में बताए उसको भी ज़रूर नोट डाउन कर लेना कि ऋग्वेदा पीरियड में कोलेरियन पीपल को बोला गया है मास्टर ऑफ हिल्स। सेकेंड, कि ऋग्वेदा पीरियड में क्या मेंशन है कि इनका जो किंग था उसका नाम था शांबर, जिसके पास 99 फोर्ट्स थे, और जो एरिया लाए करते थे, जो एरिया था वो कहाँ से कहाँ तक का था, ब्यास। देखो, ब्यास कहाँ, कुल्लू में फ्लो होती है, ठीक है, और यमुना कहाँ, सिरमौर में। तो ये सारा का सारा जो एरिया था वो कौन कवर कर रहे थे, कोलेरियन पीपल, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। सो सेकंड जो रेस है जो हिमाचल में आकर बसी है वो है कीर्तास, ठीक है। अब कीर्तास का मेंशन क्या है हमारे जो एज अ सेकंड रेस जगमोहन बिलोगरा जी की बुक में, ठीक है। उनके अकॉर्डिंगली कीर्तास सेकंड इनहेबिटेट है जो हिमाचल में आकर बसे है। वहीं पर मियाँ गोवर्धन जी की जो बुक है वहाँ पर इनको आर्यन के बाद बोला गया कि आर्यन के बाद ये हिमाचल में आकर बसे है, ठीक है। सो इतना हमें नहीं देखना है, बस मैंने आपको बता दिया कि अकॉर्डिंग टू मियाँ गोवर्धन ये थर्ड रेस है, और अकॉर्डिंग टू जगमोहन बिलोगरा ये सेकंड रेस है जो कि हिमाचल में आके बसी है। अब ये है आपके मंगोलॉयड टिबेटन स्पीकर्स, ठीक है, जो तिब्बती लैंग्वेज बोलते हैं, टिबेटन जो लैंग्वेज है उसका ये यूज़ करते हैं। और ये कहाँ से आए हैं, नॉर्थ वाला जो एरिया है, नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है, ये वहाँ से इन लोगों ने हिमाचल में एंटर किया। और इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं हमें, वो कीर्तास का जो मेंशन है वो महाभारत में भी देखने को मिलता है। तो महाभारत में कीर्तास को मेंशन किया गया है, ये पॉइंट हमें लर्न करना है। सेकंड क्या पॉइंट है कि मनु ने भी कीर्तास को मेंशन किया है, तो दूसरा पॉइंट ये हो गया, ठीक है। और एक और पॉइंट है, जो ऋषि वशिष्ठ हैं उन्होंने बताया, उन्होंने क्या बोला है कि जो कीर्तास है वो क्या करते हैं, शीशन देव की पूजा करते हैं, ठीक है। तो ये तीन चार पॉइंट्स है रिलेटेड टू कीर्तास की। फर्स्ट, ये टिबेटन स्पीकर्स हैं, मंगोलॉयड टिबेटन स्पीकर्स हैं, महाभारतास में इनका मेंशन है, ठीक है, मनु ने भी कीर्तास को मेंशन किया है, और जो कीरत्स है वो क्या है आपके, शीशन देव की पूजा करते हैं। अब जो कीर्तास है इनका क्या होता है कि बाद में ये जो जब हम अभी आर्यंस को पढ़ेंगे, ठीक है, आर्यंस में जो एक खश जो ट्राइब है उनके साथ ये मिक्सअप हो गए थे बाद में, क्योंकि उन्होंने उनको हरा दिया था कीर्तास को, तो बाद में ये मिक्स हो जाते हैं उनके साथ। तो ये भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी बस आपको यही चीज़ें याद रखनी है कि सेकंड जो इनहेबिटेट आए थे वो कीर्तास थे, ठीक है। फर्स्ट जो आकर बसे हैं, जिनको ओरिजिनल एंड अर्लीस्ट माइग्रेंट बोला, वो आपके कोलीज है, ठीक है, कोलेरियन पीपल है। सेकेंड आपके कीर्तास है, ठीक है। तो यही आज हम दो जो रेसेस इनको डिस्कस करते हैं। कल हम देखेंगे आर्यंस को, ठीक है, आर्यंस को प्रॉपरली डिटेल में कोशिश करेंगे समझने की, क्योंकि आर्यन की दो ब्रांचेस आती है, ठीक है, उनको हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। और इस तरह से धीरे धीरे करके हम अपनी हिस्ट्री को, हिमाचल की हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। आई होप जो आज का ये सेशन था आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट।